हम लोग बहुत खुश हैं कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई है और जो जो हमको रिएक्शन मिले हैं, आप लोग भी जो थिएटर के बाहर रिएक्शंस लेते हैं वो भी मैंने देखे हैं, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि सभी लोगों को ये फिल्म, और अद्वैत की ये पहली फिल्म है तो अद्वैत तो बहुत ही खुश है, इंडस्ट्री के लोगों को बहुत पसंद आई और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई, तो सब जगह से तारीफ आ रही है, तो आई थिंक अद्वैत इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही इज़ थ्रोन हिज फर्स्ट पार्टी. I'm very happy with the success of the film, with the reaction to the film, and with the reaction to my character. I'm really thrilled. I'm really happy. नहीं, अद्वैत के लिए तो मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 10 साल से मैं उसको जानता हूँ और किसी न किसी तरह वो हमारे साथ काम कर रहा है, तारे ज़मीन पर से, फिर धोबी घाट पर काम किया, फिर मेरे साथ 4 साल काम किया, तो किरण और मुझे, हम दोनों को बेहद खुशी है कि अद्वैत जो है उसका जो पहला कदम है इंडस्ट्री में वो इतना शानदार रहा है और इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है उसने जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है, लोगों के दिल को छू लिया है उसने और वो लोगों के दिल में उतर गया है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिला है इस किरदार के लिए, पीपल हैव रियली इन्जॉयड माई कैरेक्टर एंड मैंने थिएटर में भी देखी है फिल्म ऑडियंस के साथ और लोग खूब हंस रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ द फिल्म. हम लोग तो हमें रियलाइज़ हो ही नहीं रहा एक्चुअली जो भी हो रहा है, पर ऑल आई कैन से इज़ वी ऑल आर वेरी हैप्पी. हमारी फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अगर आप पूछें हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं और अद्वैत रोज़ जाके थिएटर में फिल्म देख के आते हैं. बहुत मज़ा आ रहा है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मूवी को, हर कैरेक्टर को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, तो हम लोग बहुत खुश है कि हमारी मूवी को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स को भी इतना प्यार मिल रहा है. आप दोनों की बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है फिल्म में, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी भी है. किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले आप दोनों के किरदारों को अगर पूछा जाए तो? सबको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही क्यूट बॉन्ड है जो फिल्म में है, और आई थिंक आई नो इट कि जो तीर्थ है वो रियल लाइफ में भी चिंतन है, मतलब जिस जो वो स्क्रीन पे दिखा रहा है, ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, रिलैक्स, ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ ऑन स्क्रीन. लाइक कॉम्प्लीमेंट्स वियर्ड मिल रहा है फ्रेंड्स वियर्ड में एक्चुअली, हां मतलब फ्रेंड्स के सही फ्रेंड्स के तरफ से बहुत वियर्ड कॉम्प्लीमेंट मिलता है, पर वियर्ड कॉम्प्लीमेंट्स लेने में भी एक मजा आता है, सो अच्छा लग रहा है. एक्चुअली ऑडियंस की रिएक्शन हमारे लिए सबसे अच्छी होती है एंड ऑडियंस रिएक्शन बहुत ही अच्छी आ रही है हमें, जहाँ भी हम ऑडियंसिस के साथ हमने देखी है, लोग हमें टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं सबको, तो इसलिए हम सब खुश हैं. फिल्म बहुत प्यार से बनी है और जब लोगों को पसंद आती है तो लगता है कि हम कामयाब हुए. मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग नफ़रत करेंगे और बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन नफ़रत भी मिल रही है और साथ साथ प्यार भी मिल रहा है, बहुत सारे मिक्स इमोशंस हैं. एंड आई एम हम्बल एंड ग्रेटफुल एंड आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच. इट इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट इन अ वे इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और जितनी ज़्यादा नफ़रत मिल रही है उतना लग रहा है कि चलो सही राह पर थे और जो कोशिश की थी वो जो है सार्थक हुई और शायद अपने मुकाम पर और उतनी चीज़ों में कामयाब हो पा रहे हैं कुछ हद तक. पहली फिल्म सफल रही और आप खुद ही आज यहाँ पे मतलब सक्सेस पार्टी दे रहे हो, प्रोड्यूसर्स तो शायद यार एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव गॉटन सच अ गुड वेलकम फ्रॉम द इंडस्ट्री. Everyone who watched the film called me up or messaged me and that's a very big deal for me. मैं वो आदमी हूँ जो ऐसे खड़े होता है ना जब शूटिंग चलती है और फिर सिक्योरिटी हटा रहता है, मैं वो आदमी हूँ. यू नो, सो फॉर समवन लाइक मी टू गेट अ मैसेज फ्रॉम करण जौहर, फ्रॉम सूरज बजातिया, फ्रॉम आलिया, इट्स अ वेरी बिग डील. सो द फैक्ट दैट आई बीन वेलकम इन द इंडस्ट्रीज इज रियली नाइस एंड ओवरवेलमिंग एंड अच्छा, इट्स नाइस टू जस्ट हैव अ पार्टी एंड सेलिब्रेट. हमने तो उसी दिन देख ली थी जब ही स्क्रीन की, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी. मेरे लिए तो जब शक्ति कुमार ऑन स्क्रीन आते हैं तभी इतना मज़ा आता है उनको देख के, आई थिंक सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्चुअली ये आपको उनका कैरेक्टर देख के आपको पता चलेगा कि कितनी एंटरटेनिंग फिल्म है. हमारी ऑडियंस को हम थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि फिल्म को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, लोगों को इतनी पसंद आ रही है और हमें बेहद खुशी है इस बात से. Thank you so much. Thank you.